वाह, बड़ा चुपा चुप। और तुम्हारे पास क्या है? मेरा इतना बड़ा और तुम्हारा इतना छोटा। हाँ, ये छोटा जरूर है लेकिन स्वादिष्ट होगा। मैं इसे खाऊंगी। बहुत अच्छा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ, बहुत मीठा। देखो वह क्या कर रही है। अरे यह क्या है, तुम हंस क्यों रही हो? ओ, केवल स्टिक बचा है। तो क्या हुआ, चलो अपना खाओ। हाँ, अभी रैपर बाहर। यह कितना सुंदर लाल है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा रैपर। ओह, माफ करना, यहाँ मेरा लॉलीपॉप है, इसे जल्दी से खाना चाहिए। मजेदार स्वाद। ओ, कुछ ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं बचा है। हे, तुम फिर से। ओह, फिर से तुम्हारे पास। खैर चलो अपना खाओ। हाँ, मेरा चुपा चुप। ओह, यह क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूं? मैं इसे क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? कितना भारी कैंडी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं चश्मा लूंगी और निश्चित रूप से एक हथौड़ा। ओह, तुम क्या करने जा रही हो? वो तुम अब देखोगी। हाँ, ये अद्भुत था। मुझे पूरे लॉलीपॉप को उठाने की जरूरत है। मैं इसे टुकड़ा टुकड़ा करके लूंगी। कितना मीठा, चलो इसे खा कर देखती हूँ। सच में मीठा, स्वादिष्ट, बस मुंह में घुला जा रहा है। अद्भुत स्वाद, बहुत मीठा, असली आनंद। मैं सब खा लूंगी। चुपा चुप्स का लाजवाब स्वाद। और यह लगभग समाप्त हो गया है। यह बहुत अच्छा था। उफ्स, और एक आखिरी टुकड़ा। मुझे मीठा पसंद है। मैं सबसे तेज हूँ। यह क्या, इतना कम? मेरे पास एक साधारण कोका कोला है। ओ, तुम्हारे पास क्या है? और मेरे पास कोका कोला की एक बड़ी बोतल है। हाँ, मेरे पास विशाल कोला है। और तुम अपना माइक्रो कोला पियो। ठीक है, मैं इस बोतल को खोलूंगी। वाओ, कितना मस्त। हाँ, रुको, यह कोला नहीं है, यह जेली है। ओ, यह अद्भुत है, सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। यह सुपर कोला मिठास है। मुझे जेली पसंद है। अरे, मुझे और चाहिए, पर अफसोस यह खत्म हो चुका है। सच में तुम्हारे पास बहुत कम था। तुम पियो, ठीक है? और मेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास भी स्वादिष्ट जेली की पूरी बोतल है। हाँ, इसे पीना बहुत मजेदार है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। वाह, यह कमाल का था। वैसे इसमें अभी भी थोड़ा बाकी है, किसी तरह तो निकल ही जाएगा। ओह, मेरी उंगलियाँ, मेरी उंगली फंस गई है। क्या करूँ? मदद कैसे करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, तेल निश्चित रूप से मदद करेगा। अब मैं तुम्हारी उंगली पर तेल डालूंगी। हड़बड़ाओ मत, यह सही नुस्खा है, यह बेहतर है। चलो कोशिश करते हैं। बस हो गया। ओह, अब ये तेल से ढका हुआ है। तो क्या हुआ, उंगली सही सलामत है। ओह, कितनी गंदी उंगली, मुझे इसे किसी चीज से पोंछने की जरूरत है, कम से कम अपने लिए। और तुम्हारा कोका कोला पहले ही कही जा चुका है। हाँ, ये मेरी असली खुशी है, मैं इसे अभी लूंगी। ओह, ये कितना भारी है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। तुम क्या कर रही हो, बस करो। यह सबसे स्वादिष्ट चीज है जो मैंने कभी खाई है। और थोड़ा और। ओह नहीं, तुम जानवरों की तरह कर रही हो। और मैं बस खुश हूँ, यह बहुत स्वादिष्ट था। और उंगलियाँ, मैं उन्हें भी चाट लूंगी। Yes. मैं पहले करूंगी। वहाँ क्या है? ओह, यह क्या है, यह इतनी छोटी क्यों है? यह सही नहीं है, तुम अपना खोलो। ठीक है। अरे देखो, मेरे पास एक अच्छा पिज्जा है, मैं खुश हूँ। और अब मैं। ओह वाह, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, बस सुपर। वाह, इसे कहते हैं साइज। चलो तुम्हारे छोटे पिज्जा से शुरू करते हैं। खैर ठीक है, यह सचमुच बहुत ही छोटा है, बेशक मैं इसे खाऊंगी। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है लेकिन बहुत छोटा, मुझे और चाहिए था। बस इतना ही। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी?
मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस तरह से कर्ल बनाऊंगी और फिर इसे शुरू से खाऊंगी। पहले क्रस्ट पार्ट। यह चीज के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट सॉसेज है। वाह, यह मुंह में घुल जा रहा है। बढ़िया। अब मैं इसे पिज्जा सॉसेज की तरह खाऊंगी। बस इतना ही। चलो अब तुम। और मैं एक सुपर सैंडविच बनाऊंगी। मैं एक बार में कई टुकड़े अपने मुंह में डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। बढ़िया पिज्जा। मुझे सलामी और चीज बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। ओ वाह, वह इसे कैसे खा पाएगी? मैं यह सब खा लूंगी। हालांकि मैं थक चुकी हूँ, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। कैप्स कहाँ है? चलो खाओ खाओ खाओ। चलो ये पिज्जा है, खाओ। ये पिज्जा मैराथन है और इसमें लीला चैंपियन है। चलो करो, आगे बढ़ो और। हाँ, मैं इस पिज्जा को खाने में कामयाब रही। हुरे! उफ, मेरे पास फिर से एक छोटा सा चॉकलेट बार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा चॉकलेट बार है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा चॉकलेट बार है। कूल। तुम्हारा छोटा है इसलिए तुम शुरू करो। ठीक है, एक छोटे चॉकलेट बार के लिए मैं एक छोटा सॉस पैन और दूध की एक बोतल लूंगी। इसे हिलाया और मेरे पास चॉकलेट शेक का एक अद्भुत ग्लास है। मैं इसे मजे से पीऊंगी। यह बहुत अच्छा है। वाह, अद्भुत। बस मुझे ऐसा ही चाहिए था। यम्मी। और चलो अब तुम। अच्छा ठीक है, और मैं शायद इस चॉकलेट बार को खाऊंगी। यह बहुत अच्छा है। मैं बस उसे पूरा खा लूंगी। यह मुंह में जाते ही घुल जाता है। अद्भुत। लेकिन तुम इसे और सावधानी से खा सकती थी। यह कमाल का है। चलो अपनी चॉकलेट खाओ। हाँ, लेकिन यह बहुत बड़ा है। यह मेरे मुंह में नहीं आ पाएगा। कुछ सोचना होगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके दूसरे तरीके से रखूंगी और इस तरह से तोड़ा और देखो। अभी मैं क्या करने वाली हूँ। देखो, यहाँ चॉकलेट का घर है। मेरे पास सुपर चॉकलेट हाउस है ना? लेकिन मैं इस बिल्डिंग को मजे से खाऊंगी और ये मेरे मुंह में समा जाएगा। बेशक मेरे डेटा के बारे में बहुत अधिक राय है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक बड़ी टाइल की तुलना में इसे खाना बहुत आसान है। ओ, मुझे भी यह चाहिए। शायद तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। बेशक मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट थी, लेकिन मैंने पहले ही सब खा लिया है। तो अब चलो इसे खोले। अरे वाह, और कुकीज दूध के साथ बहुत अच्छा होता है। अब तुम। ओ, मेरे पास इतनी छोटी कुकी है कि मैं इसे मुश्किल से देख भी पा रही हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे वाह, यहाँ भी एक कुकी है। तुम पहले खाओ। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मैं इसे दूध के बिल्कुल नीचे तक डुबो दूंगी। वाह, मैंने इसे अच्छे से दूध से भिगा दिया और अब मैं इसे खा लूंगी। एक दो तीन, बस हो गया। वह अच्छा था। और अब दूध का एक बड़ा ग्लास। मुझे दूध पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। उफ, तुम खाना कब सीखोगी? अद्भुत। चलो अब तुम्हारी बारी है। वाह, कितना सुगंधित कुकीज। ओ, यह दूध में गिर गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं शायद सब कुछ पी लूंगी। हाँ, यह निश्चित रूप से कुकीज बाकी है। हे, यह नहीं चलेगा। उफ, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगी, शायद निकल जाए। हाँ, यह फूल गया है और बहुत स्वादिष्ट और नरम हो गया है। यह अद्भुत है। अब सिर्फ तुम और तुम्हारी विशाल कुकी बची है। लड़कियों, ईर्ष्या मत करो। मेरे पास इतनी बड़ी कुकी और इतना छोटा कप है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है।
मैं बीच में दूध डालकर खा लेती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, ये बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट। मुझे भी वो चाहिए। यह स्वादिष्ट था लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। क्या भयानक गंध है। हे, क्यों दोस्तों, तुम्हें क्या हुआ? लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी। पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यह, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है, मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों, और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा। ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है। पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना, यह मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये असली डेलिकेसी है। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। यह सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ यह पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा। अब इसे मारती हूँ। चलो, ये टूट गया। आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर। देखो ये कितना प्यारा है। अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। हाँ, यह तो कमाल का है। बढ़िया। रुको, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो, ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा, मैं इसे खा नहीं सकती। पर तुम्हें यह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है। डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी, अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको, और मक्खी कहाँ है? ओह, मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है। सूजी, अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। खाना होगा? वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट। अरे, मेरी जीभ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी नहीं। अब मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों, अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। यह वास्तव में स्वादिष्ट है लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो, अब मैं इसे तोड़ती हूँ। तड़ाम, अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुँह में होगी। वाह, यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा?
क्या मुझे सच में ये करना होगा? खैर, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है, तुम्हें सब खाना होगा एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है। छी, यह घिनौना था लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। ओ, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुरे, ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी, लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी, परेशान मत हो क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे, क्या कर रही हो? दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। स्वादिष्ट, मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी ओर उड़ रहे हैं। ओह, मैंने बहुत खा लिया, ये स्वादिष्ट था। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ, तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना, मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ। शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था, मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ऐसे। यह स्वादिष्ट है, लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बैटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी, बहुत डरावना, तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर, कोई बात नहीं, ऐसे खेली क्यों, मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह, अद्भुत, मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया। वाह बारबरा, तुम भाग्यशाली निकली, एक पूरी प्लेट भरकर पॉपकॉर्न। निक के पास ज्यादा नहीं है पर वो परेशान भी नहीं है। जूली की किस्मत साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है। जूली, तुम शुरू करो। मेरे पास एक आइडिया है, मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है? मुझे यही चाहिए था, वास्तव में तेज और स्वादिष्ट निकला। वाह, अब मैं इस पॉपकॉर्न को जल्दी से पकाऊंगा। वाह निक, तुमने ये नहीं बताया कि तुम एक शेफ हो। इस रेसिपी को लिख लो, एक फ्राइंग पैन लो और इसमें मकई के दाने डाल दो और एक दो मिनट इंतजार करो, फिर इसके मजे लो। वाह, ये एक विस्फोट है। लड़कियों, सावधान हो जाओ। वाह निक, ये वास्तव में विस्फोटक नुस्खा था। पॉपकॉर्न बनाने का मेरा अपना तरीका है। कोला में थोड़ा टबैस्को मिलाएं और इसे अपने दोस्तों को पीने के लिए दें। यह क्या है? बस मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद निक। तीखा, गर्म। वाह निक और बारबरा के पास कितने सारे गमी आए हैं और जूली के पास सिर्फ एक है, केवल एक। कितना कम। निक, यदि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो जूली मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए यह लो। मेरे साथ मत उलझो, हमें झगड़ना क्यों है? अब मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। निक, अब तुमने क्या सोचा है? आँख में केचप? छी, कितना गंदा। जूली, अगर तुम चाहो तो मेरी आँख खा सकती हो। क्या ये सच में तुम्हारी आँख है? हाँ, ये लो। इसे मुझसे दूर करो। बारबरा, सावधान, तुम्हें निक की आँख खा ली है। यह क्या? छी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुबह सुबह एक कप गर्म कॉफी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वादिष्ट। रुको, यह क्या है? एक आईबॉल। तुम लोग असली जोगर हो। अब मेरी बारी है। कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, इसे कहते हैं भूख। ओ, क्या स्पीड है।
मेरी बारी है। अब टर्बो मोड, स्वादिष्ट। वो नेक, तुमने वो सब कितनी जल्दी खा लिया। क्या तुम लड़कियों के साथ शेयर कर सकते हो? प्लीज, तुम्हें बहुत भूख लगी है। केवल एक प्लीज। नहीं, ये मेरे हैं। नेक, तुम इतनी गमी आई एक साथ नहीं खा सकते। बहुत देर हो गई। अब तुम वो सारी शरारत देखो जो लड़कियों ने तुम्हारे साथ की है। जी, मैं सब नहीं खा सकती। इसे मेरे सामने से हटाओ। केवल एक, मैं यह कर सकता हूँ। वो क्या है? दोस्तों, हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकते हो। मैं पहले शुरू करूंगी। बारबरा, यह एक बीज है, तुम्हें इसे खाना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगाना चाहिए। ध्यान से बारबरा, देखो तुम कहाँ फेंक रही हो। अब मैं तुम्हें रोकने जा रही हूँ। बढ़ो, पौधा निकल क्यों नहीं रहा है? बारबरा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसे बढ़ने का समय दो। मैं पहले शुरू करता हूँ। इसे जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि इसका स्वाद समझ में नहीं आए। छी, कितना गंदा। मुझे इस खराब स्वाद से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे इसे की जरूरत थी। मैं ये ले रही हूँ। मुझे अपने पौधों को पानी देने की जरूरत है। अब यह बढ़ेगा। भूकंप, छिप जाओ, डरो मत। वो सिर्फ बारबरा का बीज बढ़ रहा था। बारबरा के पास अपना ब्रोकली का पौधा है। कितना खराब। मुझे ब्रोकली से नफरत है। छी। बारबरा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और तुम्हें अपना ब्रोकली खा लेना चाहिए। नहीं, ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता, पर मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने का। देखो, उधर ऑक्टोपस है। जूली, तुम्हें पता है ना कि सभी शरारतों की सजा अंत में जरूर मिलती है, और एक तो निक ने तैयारी कर रखी है। बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर थोड़ा और खाओ। नहीं, छी, कितना खराब। अगली बार धोखा देने की कोशिश मत करना। वाह, फ्रेंच फ्राइज, सभी काफी खुश हैं। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। पर रुको, जूली उतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे बस एक छोटा फ्राई मिला है। स्वादिष्ट पर बहुत कम। मुझे और चाहिए। अब मेरी बारी है। बारबरा, थोड़े फ्राई मुझे दो। क्या, कम से कम एक ही दे दो। Could you please? बिल्कुल नहीं, ये लो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम बस देखो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। जूली बारबरा के केचप को वास्तव में तीखा बना रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। होना चाहिए था। बारबरा, तुम्हें जल्दी से ठंडा होने की जरूरत है, पर केचप के साथ नहीं। यह बेहतर है। मेरे पास पर्याप्त केचप है। निक, अपने फ्राइज का ध्यान रखो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या? बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद निक, तुमने मेरा सारा फ्रेंच फ्राइज खा लिया। ये लो। निक, परेशान मत हो, बस अगली बार अधिक सतर्क रहना। वाह, प्रिंगल्स का एक पूरा कैन। निक तो किस्मत वाला निकला। पर बारबरा के पास तो इसका पूरा पिरामिड है। वाह, और जूली के पास सिर्फ एक है, और वो बहुत ही छोटा है। मैं यह ठीक कर लूंगी। अब बेहतर है। स्वादिष्ट। निक, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम चलो। क्या, यह खुल क्यों नहीं रहा है? ध्यान से, अपने दांत मत तोड़ लेना। लगता है तुम्हें प्रिंगल्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए तो मेरे पास एक चेनसॉ है। ओ, ये हमें मत काट देना। बस कुछ बार काटना होगा और फिर यह कैन खुल जाएगा। तुम तो एक असली मास्टर निकले। देखो, वाह निक, ये कितनी ताकत से तुमने फेंका। प्रिंगल्स को वो कैन सीधे आकाश तक पहुँच जाएगा। निक,
ठीक, अपना मुंह खोलो, चिप्स तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट चिप्स खाती हूँ। वाह बारबरा, तुम्हें तो काफी भूख लगी है। अरे ध्यान से अपना कैन फेंको। ओह चोट लग गई। कितना स्वादिष्ट, क्या हो रहा है? निक बेहतर होगा कि तुम टेबल के नीचे छिपे रहो, बारबरा बॉम्ब फेंक रही है। जूली झुक जाओ। मैं इसका शिकार फिर नहीं बनूंगी। वाह तुम तो एकदम तैयार हो, पर निक तो नहीं। ध्यान से, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बारबरा अपना टावर पकड़ कर रखना। यह काम कर गया। ये क्या हुआ? किस्मत ने फिर जूली का साथ नहीं दिया, सिर्फ एक। निक के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरा एक प्लेट स्किटल मिला है। वाह, और बारबरा को सारे रंग मिले हैं। सिर्फ एक, और वो भी इतना छोटा। चुप रहो, मेरे पास एक आइडिया है। जूली, मुझे नहीं लगता कि वह काम करेगा, पर कोशिश करके देखो। वाह अब यह तो बढ़िया है, अब यह बेहतर है। वाह कितना स्वादिष्ट, यह कमाल का था। मैं तो स्किटल्स हमेशा खा सकती हूँ। वाह बहुत अच्छा। निक अब तुम्हारी बारी, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह तुम तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हो, पर तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अरे नहीं मेरे स्किटल्स। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत स्किटल्स किसके पास है। निक मुझे नहीं लगता बारबरा को यह आइडिया पसंद आएगा, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। आउच, यह सिर्फ मेरा है। मैं कौन से फ्लेवर के साथ शुरू करूं? यह वाला या यह वाला? नहीं यह वाला। मैं चुन नहीं पा रही, यह बहुत मुश्किल है। ओह मुझे पता है वो क्या है, एक लॉटरी जिसकी मदद से मैं एक रंग चुन पाऊंगी। चलो खोल कर देखती हूँ। मैं हरे के साथ शुरू करूंगी। ओके। कितना स्वादिष्ट, मुझे स्किटल्स बहुत पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर एक साथ खाने का मन है। कितना बढ़िया, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। यह क्या है? बड़ा स्किटल्स है। कितना बड़ा है, और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। एकदम सही कहा, यह लाजवाब है, और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है। Okay. दोस्तों इधर आओ, इधर सबके लिए काफी है। वाह ट्विक्स तो कमाल का होता है। What? Okay. यह लोग तो शुरू करने का इंतजार ही नहीं कर सकते। मैं पहले चलती हूँ। अरे ध्यान से, मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ जूली, सावधान रहना वरना तुम सब काट दोगी। हो गया। उप्स। कितना स्वादिष्ट, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जूली तुम तो इतनी गंदी हो गई हो कि अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अब मेरी बारी है। ओह तुमने तो वो रैपर बहुत जल्दी हटा दिए, बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट, पर फिर भी किसी चीज की कमी है। हाँ मुझे गर्म दूध की जरूरत है। ये तो एक असली चॉकलेट कॉकटेल बन गया है। एकदम सही जोड़ी है। अब मेरी बारी है। वाह तुम्हारे पास तो ट्विक्स से बनी एक पूरी दीवार है, और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। मेरे उपकरण कहाँ है? न्यूटेला, मुझे इसकी ही जरूरत है। ट्विक्स को एक टावर बनाने जा रहा हूँ। निक तुम्हें अपने दोस्तों को ट्विक्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हो रहा है? नहीं निक क्या तुम ठीक हो? हाँ मेरे हैट ने मुझे बचा लिया।